हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग आप लोगों के साथ बात करने वाला है बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जबकि आपको पता ही है कि अपना जो एग्जाम का जो आंसर की था, क्वेश्चन पेपर था, रिस्पॉन्स था, सब कुछ निकल चुका है। तो आई होप आपने अपना जो रिजल्ट वगैरह है, रिजल्ट मतलब वही आंसर जो मैच करने वाला था, वो आपने मैच कर लिया होगा। आपको गुड स्कोर ऑलरेडी बन चुका है, तो उसके लिए आपको बहुत ही बहुत कंग्रेचुलेसन। अगर आपका गुड स्कोर नहीं बना है तब भी आप ज़्यादा होप मत खो देना, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स भी बचे हुए हैं और रिजल्ट भी पता नहीं चलता है कि किस बार क्या होगा। क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता ही है कि कितने कम मार्क्स में कितना अच्छा सबका रैंक बन गया था और कितने कम मार्क्स में IIT भी मिल गया था। तो ये सब चलते रहता है, रिडेटिवली होता है, क्योंकि आपके रिजल्ट से आपको पता नहीं चलेगा कि बाकियों का कैसा है। और ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप चिल मारो, ठीक ठाक अगर मार्क्स आ गया है और बाकी जो एग्जाम्स वगैरह है तो उसके लिए आप तैयारी करो। तो किस तरीके से आप देखेंगे रिस्पॉन्स शीट वगैरह, तो उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पर कैंडिडेट पोर्टल में जाके। जैसे ही अपना लॉगिन कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा तीन चीज़ें। एक तो मिलेगा अपना क्वेश्चन पेपर, दूसरा मिलेगा अपना रिस्पॉन्स शीट और तीसरा मिलेगा ऑफिशियल आंसर की। तो इस तीनों तीनों चीज़ों का आपका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। आपको वो चीज़ें अपना अपना मैच करने के लिए है, तो आप बढ़िया सी बैठ करके आराम से शांति से पूरा मैच कर लेना। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप उसको टीचर से पूछ सकते हैं। और अगर कुछ आपको काउंटर करना है, चैलेंज करना है क्वेश्चन को, तो उसके लिए आपको यहाँ पर टाइम दे रखा है 24 फरवरी से 26 फरवरी तक। और इस वीडियो में हम आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप ये भी सोच रहे होंगे कि कट ऑफ क्या होने वाला है। तो एग्जैक्ट कट ऑफ तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन एग्जैक्ट सॉरी लेकिन अप्रोक्सीमेट कट ऑफ तो बता सकते हैं, कि स्पेशली हम मैथ के बारे में बता सकते हैं, बाकी चीज़ों हमको पता नहीं है। जैसे कि मैथ में इस बार थोड़ा सा पेपर एवरेज, मतलब ज़्यादा टफ तो नहीं था, मतलब जो करने लायक क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा था, और अप्लाइड बेस्ड भी पेपर था, तो उसके हिसाब से मतलब कुछ 25 से 28 के बीच में कट ऑफ रहना चाहिए। लेकिन हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, तो उसके लिए भाई गालियाँ मत दे देना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर पूछोगे तो 28 के आसपास, 27-8 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि 21 जो पेपर था तो उससे थोड़ा सा आई थिंक एक दो नंबर ज़्यादा होना चाहिए। इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि जिसने पढ़ा होगा तो उसको आसान लगेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं पढ़ के दे देते हैं एग्ज़ाम। तो इसलिए थोड़ा सा पेपर इधर उधर मॉडरेट में ही आ जाता है, ऐसा नहीं कि 30 से ऊपर चला जाएगा। ज़्यादा जाने के चांसेस तो बहुत कम है, 29 भी मान लो अगर मैक्सिमम आपको मानना है, 30 तो मतलब मुश्किल है थोड़ा सा। तो बाकी ऑल द बेस्ट, अभी रिजल्ट के बाद मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।